इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एडवांस जैपनीज एक्सप्रेशंस, जो कि 10 काइवा एक्सप्रेशंस हैं, जो कि आपको सिर्फ जेएलपीटी के N2 लेवल में ही नहीं बल्कि नॉर्मल काइवा में भी, जो कि एडवांस लेवल काइवा होती है, उसके अंदर हेल्प करेंगे। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है जो कि आपको मोजीगोई के साथ थोड़ी सी कांजी भी सिखाएगा, बिजुत्सकान नो तेंजी हिनवा ते ओ फुरेनाइते कुदासाई। इसका मतलब है कि बिजुत्सकान यानी कि जो आर्ट म्यूजियम है उसमें तेंजी हिन, तेंजी का मतलब होता है डिस्प्लेड, हिन का मतलब होता है आइटम यानी कि डिस्प्लेड आइटम, ते ओ फुरेनाइते कुदासाई मतलब उसको हाथ से टच ना कीजिए। अगर आपने जापान विजिट किया है, किसी म्यूजियम वगैरह में विजिट किया है, तो उसमें ये लाइन हर जगह लिखी होती है, तो एक तरह से ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है तोशियो तो तारा शियो कराई रियो रिवा कियोत्स केता होगा ई दिस को केत्स आत्सनो गेन इन दिस। तो इसमें भी ग्रामर नहीं है, इसमें मोजीगोई का ही खेल है। तोशियो तो तारा मतलब जब उम्र बढ़े यानी कि उम्र आगे जाए, जब आप बूढ़े हों, तो शियो कराई रियोरी यानी कि सॉल्टी आइटम्स जिसमें नमक ज़्यादा होता है, उन फूड आइटम्स को कियोत्स केता होगा ई दिस। ये तो सबको समझ आ गया होगा जिन्होंने N2 या N3 लेवल भी क्लियर किया हुआ है। को किट्स आत्स, जैसे कि कांजी देख के आपको पता चल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, को मतलब हाई, किट्स मतलब ब्लड, आत्स मतलब प्रेशर। नो गेन इन दिस, गेन इन और रियू में क्या फ़र्क होता है? रियू होता है रीज़न, किसी भी चीज़ का रीज़न, लेकिन गेन इन होता है ज़्यादातर उन चीज़ों का रीज़न जो कि कोई प्रॉब्लम है या कोई गलत बात है, तो इसलिए यहाँ पर गेन इन आया। को किट्स आत्स नो गेन इन दिस, यानी कि ये हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न होता है। चलिए अब धीरे धीरे हम ग्रामर भी थोड़ा सा कवर करेंगे। जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा है, सोरा नो होशी ओ मिरू, जब हम आसमान के सितारों को देखें, या चीसाई कोदोमो नो कोए ओ किकू। तो या जो है वो एक तरह का वैसा ही पैटर्न है, या नादो वाला जो हमने बेसिक में सीखा है, ये सेंटेंसेस के तौर पर भी यूज़ होता है, इसके अलग भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो न्यूएंस है वो वही वाला न्यूएंस दे रहा है, या फिर ये एग्जांपल या फिर ये एग्जांपल, जैसे आसमान के सितारों को देखे या फिर छोटे बच्चे की आवाज़ को सुने, तो कोकोरोगा तोतेमो ओचित्सकीमास, हमारा दिल शांत हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। ओचित्सकीमास हमने पहले भी सीखा होगा, बेसिक में ही आता ही है, इसका मतलब होता है काम डाउन होना। और कोकोरो का मतलब हार्ट होता है, लेकिन हार्ट ऑर्गन की बात ना हो करके ये स्पिरिट माइंड की बात होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइंड और स्पिरिट की बात हो रही है, वो काम डाउन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। कारेनो मिस देवारी मासेन कारेवा तादा बुचोनी मेरे सारे तको तो ओ स्तानी सुगी मासेन। नी सुगी मासेन जो एंड में, ये पैटर्न जो बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिल रहा है, ये एक एडवांस एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो तो आपको समझ आ गया है, कारे नोमिस देवारी मासेन, यानी कि उसकी कोई गलती नहीं है। कारेवा तादा, तादा का मतलब होता है जस्ट, ओनली। बुचो नी मेरे सारे ताको तो, यानी कि बुचो के द्वारा जो मेरे हुआ था यानी कि ऑर्डर हुआ था, आज्ञा दी गई थी, उसको शिता यानी कि उसी को उसने इंप्लीमेंट किया है। नी सुगी मासेन, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, यानी कि उसमें उसकी अपनी कोई इच्छा, अपनी कोई मंशा नहीं थी। दे आरु नी सोई नाई, नी सोई नाई भी एक ग्रामर का एक्सप्रेशन है जो कि एंड टू के एंड में आता है। इसका मतलब होता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं, यानी कि जो हम कहते हैं श्योरली, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है, तब हम कहते हैं। तेंसाई का मतलब होता है जीनियस, तो कारेवा तेंसाई दे आरु नी सोई नाई, यानी कि डेफिनेटली ही इज अ जीनियस, डेफिनेटली वो जीनियस है, इस बात के अलावा और कोई भी बात सही नहीं है। चलिए देखते हैं काइशानो के ए होशिन, यानी कि मैनेजमेंट की पॉलिसी, के ए का मतलब होता है मैनेजमेंट और होशिन का मतलब होता है पॉलिसी। नी सोते अगेन एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है अलॉन्ग विद, जैसे नदी के साथ साथ पेड़ों की कतार है, नदी के साथ साथ हाईवे जा रहा है, तो नी सोते उसमें आता है। तो इसी तरह से होशिन एक पॉलिसी है, जैसे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, तो नी सोते उसके साथ 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 हमने उसको अबाइड करते हुए उसके अलॉन्ग विद राइन इन दोनों के काकगा तातेरा रिता, हमने अगले साल का, अगले फिस्कल ईयर का के काको यानी कि प्लान बनाया है। राइन एन साल होता है, राइन एन दो, नेन दो तब लगता है जब फिस्कल ईयर की बात होती है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, ओतोनाशी आने नी ताइश्ते। यहाँ पर दो तीन चीज़ें सीखने की हैं। नी ताइश्ते एक पैटर्न है, इसका मतलब होता है के प्रति, के लिए, जैसे ओक्यासन नी ताइश्ते वारुगुची वानाइते कुदासाई, जैसे कि कस्टमर्स के लिए कोई बुरी बात ना बोले। तो ये जो ताइश्ते है ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसका एक
एक और सेकंड मीनिंग यहां पर बनता है कंपैरिजन में, तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ओतोनाशी आने, यानी कि जो आने बड़ी बहन जो है जो कि ओतोनाशी है, ओतोनाशी का मतलब होता है बिल्कुल मैच्योर साइलेंट काम डाउन जो बिल्कुल शांत रहता है व्यक्ति, उसको कहते हैं ओतोनाशी। आने नीता इस्ते इमोतोवा योकी दे, योकी का मतलब होता है चीयरफुल, हंसता खेलता उछलता कूदता। स्पोर्ट्स गस की दा, यानी कि उसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। ये एक्सप्रेशन आपको कंपनी में भी काम आएगा, इंटरव्यूज में भी काम आएगा, देखते हैं। वाताशिवा मादा केकेन का आसाई नो दे, देखिए जिन्होंने बेसिक ऑलरेडी पढ़ लिया है उनको पता होगा फुकाई होता है गहरा और उसका ऑपोजिट होता है आसाई। आसाई का मतलब होता है गहरा ना होना, यानी कि उथला, यानी कि कम गहरा। तो वाताशिवा केकेन का आसाई नो दे, यानी कि मुझे कम एक्सपीरियंस है नो दे, इसलिए वकारा नहीं तो करोगा तकसन आरू, इसलिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी। तो यानी कि एक जूनियर अपने सीनियर को कह रहा है, हो सकता है वो कंपनी में नया नया आया हो और अपने सीनियर से योरोशिकु कहना चाहता है वो, यानी कि कहना चाहता है कि आप मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, इसलिए वो कह रहा है कि वकारा नहीं तो करोगा तकसन आरू कामशीरा नहीं होते, हो सकता है मुझे ऐसी बहुत सारी बातें हों जो ना पता हूँ, इसलिए योरोशिकु ने गश्मास, इसलिए कृपया मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, फुतागो नो इमोतो। फुतागो जिन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ा उनको पता होगा कि ट्विंस होता है इसका मतलब, तो वो कह रहे हैं ट्विंस इमोतो, यानी जो दो छोटी बहनें हैं जो कि ट्विंस हैं। काओ काओ का माता को नीतेमास का, यानी उनका चेहरा तो बिल्कुल नीतेमास है लेकिन गा, लेकिन से काको का जेंजन चिगाईमास, उनकी जो से काको है पर्सनैलिटी है बिहेवियर है वो बिल्कुल चिगाईमास, यानी कि डिफरेंट है। चलिए देखते हैं वाताशिगा रियोरी शुरू तो आजीगा कोई नीच के उसुई नीच के, ये नीच के ये थोड़ा सा एडवांस एक्सप्रेशन है, इसका यूज आई थिंक N1 में भी होता है। इसका मतलब होता है चाहे ये हो चाहे वो हो, इसमें ऑपोजिट आइटम्स आती हैं और दोनों ही ऑपोजिट आइटम के बारे में जब हम बोलते हैं चाहे ये हो चाहे वो, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, चाहे मीठा हो चाहे कड़वा हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, तो उसमें नीच के पैटर्न का यूज होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है, जब मैं खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ आजीगा कोई नीच के, टेस्ट चाहे डार्क हो चाहे हल्का हो। डार्क और हल्के का यहाँ पर मतलब है टेस्ट चाहे जैसे बहुत नमक और मसाले बहुत ज़्यादा हैं तो उसको कोई बोलेंगे, उसी मतलब बहुत हल्का बहुत पतला बहुत लाइट टेस्ट है, तो चाहे टेस्ट डार्क हो चाहे टेस्ट हल्का हो। काजकु कारा मोंकु का देरू, यानी कि फैमिली से हमेशा शिकायत आती ही आती है। तो आई थिंक आपको इन एक्सप्रेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा मोजीगोई और ग्रामर के साथ साथ, आप इनको काइवा में भी यूज़ कीजिए और अपनी जापनीज को और फ्लुएंट बनाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।